This is officially Delhi's fashion. I'm literally depressed with this gas chamber. Morning guys, अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 बजे. My maid just left घर साफ करके. She just left अभी. Delhi air condition is bad. As I'm sure all of you must already be knowing this fact. आप लोग news पढ़ ही रहे हो. काफी schools बंद है इस time, but offices बंद नहीं है तो मुझे ऑफिस जाना ही पड़ेगा. सो सुबह उठ के मैंने अपना एप्पल साइडर विनेगर ड्रिंक ले लिया है. आपने लिया है? एवरी मॉर्निंग आई डू इट, आई टेक माई एप्पल साइडर विनेगर ड्रिंक्स. अगर आपने अभी तक एप्पल साइडर विनेगर ख़रीदा नहीं है तो मैं नीचे अमेज़न के लिंक दे दूँगी, आप ले सकते हो ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर. और अगर आपने उसके फ़ायदे वाली वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड में मैं वीडियो वो लिंक छोड़ दूँगी. बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि अभी पोल्यूशन ज़्यादा है तो अंदर से अपने बॉडी को फिट और हेल्दी रखना इज़ द बेस्ट थिंग, एंड ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर विल हेल्प यू. तो अभी फ्रेश होने के बाद आई एम गोइंग टू हैव माई ब्रेकफास्ट. यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल यू कैन क्लिक द रेड सब्सक्राइब बटन. वैसे मैं ब्लॉग ज़्यादा बनाती नहीं हूँ बट आज मैंने सोचा मैं बनाती हूँ क्योंकि I don't know, I'm just depressed because of this pollution. This weather is very depressing. The organic apple cider vinegar with the mother that I consume every day, empty stomach. And then I freshen up and then I have my breakfast. And agar aapne abhi tak organic wala khareeda nahi hai to khareed lo yaar. Main niche Amazon ke links de dungi, aap khareed lena, aapko fayda hoga isse. Now that all this thing is done, aaj ka mera humble breakfast is poha. I'm going to have some poha and of course I'm going to consume this apple. Then now the point is ki abhi condition itna kharab hai yahan par Delhi Gurgaon mein because of the air quality. What do you do? How do you take protection? Right, main last week Bali mein thi on a vacation. If you follow me on Instagram you probably know that already. And after this back to the gas chamber is pathetic. Why that एंटी पोल्यूशन मास्क स्पेसिफिकली अगर घर पे एल्डरली और बच्चे हैं तो प्लीज़ उनको ये वीक बाहर ना भेजें. स्कूल्स मोस्टली छुट्टी पे है और जो नहीं है उनको बच्चों को छुट्टी दे दो, मास्क भेजो. इट्स सैड, डोंट वॉन्ट किड्स एंड एल्डरली पीपल टू बी आउट. मॉर्निंग वॉक पे मास्क जाया करो. अभी बाहर आउटडोर एक्सरसाइजेस ना करो तो बेटर है. मैं ऑफिशियली ये वीक कुछ नहीं करने वाली एक्सरसाइज. आई एम नॉट गोइंग टू एनी एक्सरसाइज आउटसाइड और इनसाइड. ऑफ कोर्स मुझे ऑफिस जाना है, आई कैन नॉट अवॉइड ऑफिस. आई विल गो टू ऑफिस टुडे ऑल्सो, एवरी डे आई एम गोइंग. खैर आज कंडीशन ऑफ गुड़गांव इज मच बेटर देन व्हाट इट वाज यस्टरडे. आज द यू कैन चेक पोल्यूशन ट्रैकर, आज इट वाज 226 विच इज़ वे बेटर देन व्हाट इट वाज यस्टरडे. क्योंकि गुड़गांव में कुछ स्टेप्स दिया है गवर्नमेंट ने यहाँ पर. सो 226 इज स्टिल डूएबल, still doable. It's not as bad as 400 or 600 like some parts of Delhi condition is right now. 226 mein bande khush ho rahe hain. Thank God office kaam karne se lagta hai ko Bombay jana pada hai 2 din ke liye, so he'll be saved. I'm guessing next week ye theek ho jayegi and then I will resume my workout and exercises. Really week no ओके. सो दैट ग्रोफर्स एट होम कॉल, होम डिलीवरी, ग्रोसरी, सब्जी आ गई. बाय द वे कैन यू सी माय हेयर कलर? 50% हेयर कलर एक्चुअली फेड हो गई है वेकेशन से. मैं जब मैं बाली में थी 50% ऑफ द हेयर कलर इज नाउ गॉन, है ही नहीं क्योंकि बाली की ही पानी ने इसको बह गया वो रेड कलर मेरे बाली के पानी में. सो आई एम नॉट गोइंग टू डू अ टच अप एनी मोर बिकॉज दिस इज अ कलर विच फेड्स. अभी भी है बट 50% इज एक्चुअली गॉन. काफ़ी रेड थी ये. सो या इट्स सैड बट कम ऑन, लाइफ मूव्स ऑन. सो आई जस्ट गेट माई ग्रोफर का सामान अभी.
मेरे पास टाइम कम है क्योंकि आई यू नो आई टू नाउ टेक बाथ एंड रन टू द ऑफिस बट आई हैव टू डू इट बिकॉज इफ आई कीप इट देन इट्स नॉट गुड. YouTuber and you have a house to take care of. Multitasking at its best. It's more or less arranged now. I'm off to get ready again. So I'm leaving for office now. And definitely dhoop hai aaj and smog condition is a little better than what it was yesterday, but yeah, still it's smoggy and it's bad. I'll just show you in a while from my office because office ke andar hum shoot nahi kar sakte, phone sab mein bahar locker mein chhodna padta hai, but main terrace se aapko zarur dikhaungi. I'm a lift with the new Urban Decay retro matte lipstick that I picked up from the Singapore International Airport when I was Bali se wapas aa rahi thi, and I have no makeup on my face. How the office sky looks like. Abhi I'm on the terrace and this is the condition of visibility of the day, and I'm leaving office now. It's 5 o'clock. Oh, my house is a mess right now. Like every time you come back from a vacation, it's always a mess. अगर आपको पता नहीं है तो मैं बाली गई थी. आप इंस्टाग्राम में मुझे इसका मतलब फॉलो नहीं कर रहे अभी तक, है ना? अगर आपको पता नहीं है तो मैं 5 दिन के लिए, मैं, हस्बैंड और हमारे फ्रेंड्स, हम लोग बाली गए थे. एंड ऑफकोर्स अब हम वापस आ गए हैं एंड फेसिंग द डेडली दिल्ली पोल्यूशन. मतलब क्या ज़िंदगी थी वहाँ पर, मतलब इतना साफ, और यहाँ पर गैस चेम्बर, लिटरली गैस चेम्बर. और हमेशा जब मैं वेकेशन से वापस आती हूँ, वैसे तो आई ट्रैवल अलॉट, आई लव ट्रैवलिंग एंड आई एम ऑलवेज गोइंग टू ट्रैवल, आई ट्रैवल अलॉट, बट एवरी टाइम वी कम बैक फ्रॉम अ ट्रैवल दैट इज़ द मोस्ट हेक्टिक फेज. क्योंकि एक, आपको अनपैकिंग करनी होती है, सेकेंड आपके जो भी गंदे कपड़े होते हैं उसको आपको धोने होते हैं, ठीक है? तो वॉशिंग मशीन दिन में 3 बार चलती रहती है, ऊपर से ऑफिस जाना होता है, ऑफिस आने के बाद ये सब काम करना होता है, तो इट्स लाइक अ डबल एक्स्ट्रा वर्क दैट यू हैव टू डू आफ्टर ऑफिस, आफ्टर हाउस होल्ड वर्क एंड ऑल. थर्ड हो जाती है, आपको घर काफ़ी गंदा हो जाता है, धूल मिट्टी पोल्यूशन, अभी दिल्ली में तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो घर काफ़ी गंदा हो जाता है, तो डस्टिंग के लिए फिर मेट के पीछे थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा लगना पड़ता है कि ये साफ़ कर दो, वो कर दो, वो कर दो. इट्स अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट वर्क आफ्टर यू कम बैक. एंड अभी स्पेसिफिकली क्योंकि दिल्ली में विंटर स्टार्ट हो गई है, तो मुझे पूरा वार्डरोब भी चेंज करना पड़ा. सो आज तो मैं शाम, मतलब 6 बजे से, ऑफिस से आने के बाद 6 बजे से मैं लगी पड़ी हूँ अपने वार्डरोब चेंज करने में, इसलिए आई फॉरगॉट टू शूट दैट. इट वॉज सो हेक्टिक, ख़त्म नहीं होगी. अभी रात की 10 बज रहे, मेरे अभी तक कपड़े पड़े हैं बेड पे. ये देखो अभी भी विंटर क्लोथ, इसे वैसे
कैसे ही पड़े हुए हैं, ख़त्म होने के नाम नहीं लेते। मतलब अंदर में हमारा एक स्टोर रूम है अंदर, यहाँ पर दिस इज़ अ स्टोर रूम, उसके अंदर वी हैव सूट केसेस जिसमें जो बेसिकली ऑफ क्लोथ विच वी डू नॉट यूज लाइक ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर सीज़न, तो वो सब मैंने निकाला स्टोर रूम से, सूट केसेस से विंटर क्लोथ निकाली, उसके अंदर मैंने अपने समर क्लोथ पैक किए। इट्स अ लॉट ऑफ टास्क व्हेन यू लिव इन अ प्लेस लाइक दिल्ली वेर यू हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट्स लाइक एक्सट्रीम विंटर्स एक्सट्रीम समर्स, तो वार्डरोब मैनेजमेंट इज़ अ बिग टास्क, बट थैंकफुली इट्स ऑलमोस्ट डन एंड आई एम वेरी टायर्ड। एंड दिल्ली पोल्यूशन की वजह से ऑनेस्टली मैं आई एम नॉट गोइंग फॉर माई इवनिंग वॉक्स और नाइट वॉक्स, जो भी आप कह लो, जो मैं लेती थी, क्योंकि आपको पता है कि आई एम ट्राइंग टू कट डाउन ऑन माई वेट एंड ट्राइंग टू चूज़ अ हेल्दियर लाइफ स्टाइल, बट अब तो पोल्यूशन भी मुझे इजाज़त नहीं देती है कि मैं वॉक पर जाऊँ और यू नो वेट कंट्रोल करूँ। तो मैंने सोच लिया इट्स ओके आई कैन डू विथ 1 kg एक्स्ट्रा वेट, बट आई कॉन्ट फेस द पोल्यूशन एट द मोमेंट। ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा, यू कॉन्ट अवॉइड दैट, बट वॉकिंग पे आई एम नॉट गोइंग। मैं घर पे भी अभी एक्सरसाइजेस नहीं कर रही हूँ, एक हफ्ता आई विल टेक अ ब्रेक, आई विल नॉट डू एनीथिंग दिस 1 week, लेट इट जस्ट गो, लेट इट बी अ लिटिल बेटर। और पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं यार, पूरी जनता सफ़र कर रही है, लोग मर जाएंगे दिल्ली में, और हमारी गवर्नमेंट का मतलब नोबडी नोज फकिंग व्हाट टू डू, देयर इज नो इमीडिएट रेमेडी। सो व्हाट आई विल सजेस्ट इज प्लीज़ बाय द मास्क, वेयर इट व्हेन यू आर गोइंग आउट, एंड इफ़ यू वॉन्ट यू कैन बाई एयर प्योरीफायर घर पे। हालांकि दोनों में से एक भी चीज़ मैंने अभी तक किया नहीं है, इट्स सैड। मेरे पास एक मास्क है बट यार आई फील वेरी सफोकेटेड वेयरिंग दैट मास्क, इट्स वेरी सफोकेटिंग। प्योरीफायर अभी तक लिया नहीं मैंने, अभी मैं ले लूँगी। ओनली रीज़न आई डिडंट बाई इट येट इज़ बिकॉज मुझे बहुत डिप्रेशन होती है। आई थिंक द सैडेस्ट purchase in my entire life will be that air purifier, क्योंकि आई एम नॉट रेडी फॉर इट, आई एम जस्ट नॉट रेडी फॉर इट। बट ऐसे सोचा जाए तो फिर 10 साल पहले जब AC लेते थे हम घर पर, तभी शायद हमारे मम्मी पापा ये सोच रहे होंगे कि यू नो कि AC ले रहे हैं, तो ऐसे ही वेदर चेंज हो रही है, जस्ट वर्थनिंग। पहले AC आई, अभी एयर प्योरीफायर नॉर्मल हो जाएगा, तो एनवायरमेंट इज डिग्रेडिंग, पोल्यूशन लेवल्स आर राइजिंग, ह्यूमनिटी विल सीज टू एग्जिस्ट। खाने में अभी मैं राजमा चावल खाऊंगी, आई डोंट नो, आई जस्ट नॉट इंटरेस्टेड टू ईट, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है। राजमा चावल बनी हुई है विच इज़ ओके, दैट डजंट इंटरेस्ट मी एनी मोर बिकॉज इट्स डिप्रेसिंग, द वेदर इज डिप्रेसिंग, इट यू विल फील चोकी द एंटायर डे, आपके गले में दर्द होगा, नोज आपकी इची होगी, इट्स वेरी वेरी हार्मफुल। स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सो दैट इज़ द अमाउंट ऑफ स्मोक वी आर इनहेलिंग इन दिल्ली जस्ट बाई सिटिंग राइट नाउ। तो मैंने सोचा ये सब आपके साथ शेयर करूँ, ये काफ़ी डिप्रेसिंग वाला व्लॉग है, आई नो मेरी व्लॉग्स इतनी डिप्रेसिंग नहीं होती है, मैं जेन्युइनली बहुत डिप्रेस्ड हूँ बाली से आने के बाद, यहाँ पर इतनी इस गैस चैम्बर में आने के बाद आई एम लिटरली डिप्रेस्ड। मैंने आई एम गोइंग टू स्पीक इन अ लिटिल बंगाली राइट नाउ बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू यू नो द ट्रू इमोशंस कम्स आउट इन योर मदर टंग, तो वैसे ही है जे आई लिटरली हेजे गे 10 years अगो हमें जो दिल्ली इसम, तो आई वॉज सो एक्साइटेड, हमें कत भलोबासी दिल्ली के, हमें जेन्युइनलि एखो खूब भलोबासी दिल्ली के, बट टू सी द डेटोरिएशन अफ दिल्ली फर द लास्ट 10 years जे हमें एखे आर एरकम ओ माई गड कैन एक्चुअलि हियर क्रैकर्स बर्स्टिंग शादी का सीजन, एक्चुअली लोके एखे खूब इरेसपन्सिबल, सहज कथा बोलते गए कि लोकर को मा गा मैं लोकेदों को बसि गा पत्ता देना, एखे लोकेदे को माथा मुंडू छिड़ी नहीं, एरम कंडिशन एखो देखो विड़ी एन तेज एखे दिल्ली और सबा एखे पटाखा फाटा जो लोके दिल्ली गैस एरिया लोके पटाखा फाटा हमें सुनते आई कूड हियर वेडिंग के लिए पटाखा बर्स्टिंग। सो इट कम्स बैक टू आस, ऑल ऑफ अस हियर वी हैव स्क्रूड इट अप एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट एखे लोके सुधरबे ना, एखे लोक बहुत ढीट है सत्यि करे, एखे खूब ढीट लोक आज कैक जन जर जो जो को फरक ही पड़े ना, एगो ठीक करा उचित उचित ना, मैंने हमें ये ट्रांसलेट करब ना फॉर दिस पार्ट ऑफ बंगाली, आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी इंग्लिश ट्रांसलेशन बिकॉज दिस इज जस्ट वेरी हार्ड टू हार्ट
thing that I wanted to say. Yeah, I will end my blog here. Our vlog here. It's just a day in my life because I thought of sharing a day in my life after a long time in this gas chamber that we are surviving. This is real. This shit is real. Punjab is slash and burn cultivation hai. Jejo no people actually burn the crops and wastage, and that affects Delhi more. Already Delhi is very polluted, and apart along with this, it just kicks up. Air quality level safe is like around 50 to 200. Aisa kuch hai shayad. Lesser is 50, it should be 200. Delhi, some places in Delhi is in 650, 700. Theek hai? And but in Gurgaon, like where I live right now, it's 260, which is good compared to what it is in a lot of areas in Delhi. One of the worst hit areas is RK Puram in Delhi. But anyway, I feel the breathlessness while talking. I cannot walk and talk so much. It's bad, okay? But the apocalypse is how this all begins. Anyway, I just wanted to share all this with you guys. I don't know why I just feel like this. I thought I'll just come and tell you how the wife is managing. So I'll see you again. Bye, guys. Good night.